तो ये मेरे हाथ का बनाया हुआ रोटी है दोस्तों, आकृति कितना बढ़िया है बताइए तो। देख रहे हैं आप लोग भाई लोग, ये देखिए इसमें पूरा मसाला पड़ चुका। चिकन के साथ रोटी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सुबह के 10 बज रहे हैं, खाना पीना भी हम लोग कर चुके हैं। सुबह सुबह का नजारा, चारों तरफ पूरा काला काला बादल छाया हुआ है, एक साथ धूप भी है और चारों तरफ पूरा काला काला बादल छाया हुआ है। समझ नहीं आता भगवान जी बारिश करना चाहते हैं या फिर धूप। कल अपने इस घर के पिछवाड़ी पूरा साफ सफाई किए थे, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कितना ज्यादा यहाँ पर कचरा है। तो लो भाई, फिलहाल हम लोगों ने सारा साफ सफाई कर दिया है और उधर सारा कचरा ले जाकर इकट्ठा कर दिए हैं ताकि धूप हो और वो सूख जाए और उसको फूक उक के सब उसका अस्तित्व ही खत्म कर दें कचरे का। प्रीति गई थी बर्तन मांजने, तो अभी बर्तन मांज चुकी हैं। सरफ कहाँ है जो लाए सुबह में? ए जी, यहाँ बिस्तर पर है दीदी के पास ना, लीजिए इसमें सरफ हुआ है। ठीक है, बड़े भैया खा रहे हैं खाना। ए लाला, अरे मुँह घुसेड़ दी पूरा एकदम, तनी दूर कर, तनी दूर कर मोबाइल लिया। हाय कर दे ला, हाय कर दे दीप्ति, हाय कर दे। अरे सोना, बारिश आने वाला है, बारिश आने वाला है जी। उधर से पूरा काला बादल दिख रहा है। और बेटा क्या हाल है? बम्बई कब जावे? मुंबई? बादल कुछ ज्यादा ही काले काले दिखाई दे रहे हैं, मौसम तो ऐसा है लगता है बारिश हो सकता है, चांसेस है। जो बगीचा का हम लोग आम खरीदे थे इस सीजन, वो बगीचा में इस समय जाने लायक नहीं है, इतना ज्यादा कचरा गंदगी, मतलब क्या बोले हैं, देख लो आप लोग खुद, पूरा काई काई हो गया है। हम लोग वहाँ पर जाकर बैठ कर आराम करते थे। अरे भाई साहब, बूंदाबांदी होने लगा तो ये बढ़िया भाई। अच्छा है, उस दिन आप मिले थे? हाँ, ऐसा हाथों बैठा ना, बस पकड़वे ऐसा हाथों पकड़। भाई साहब, देख रहे हैं आप लोग भाई लोग, ओहो कारे सुल्तान, क्या हाल है प्रीति? अरे बहुत तेज बारिश होने लगा जी, बाप रे बाप, इतना तेज बारिश होने लगा तो बहुत जोर बारिश होने लगा, बहुत जोर। जस्ट एक मिनट पहले एकदम तगड़ा बारिश हो रहा था। देखो चावल चुना नहीं लाई है दीदी, खाएगा चावल लू। अरे अरे अब तो दीदी गई। तो भाई लोग चले गए, शाम होने वाला है, 5 बज चुके हैं, सुबह में हो रहा था बारिश। अभी देखिए कितना ज्यादा धूप है, बाप रे, यहाँ खड़ा नहीं होया जा रहा, पूरा एकदम सिर पे लग रहा है धूप। इधर आ जाइए, धूप है उधर। क्या बनेगा कुछ पता है? नहीं अभी तो अम्मा से पूछना पड़ेगा ना। क्या अम्मा से? नहीं, आज मैंने खुद सोच लिया है क्या बनेगा। क्या बनेगा आज? बनेगा चिकन। हाँ चिकन, चिकन बहुत दिन हो गया नहीं खाए हैं, और जब से आप आए हो यहाँ अपना ससुराल में, यानी कि हमारे घर, यानी कि अपने घर, तब से अभी तक चिकन नहीं बनाई हो। अभी हम जा रहे हैं चिकन लाने, अब मसाला वसाला सब कुछ तैयार रखो, ठीक है? ओके। ए अम्मा, चिकन लाने जा रहे हैं, चिकन ले बहुत दिन हो गया नहीं खावल गए, महीना हो गया। जा ले, वो तो चले गए चिकन लाने, जब तक वहाँ से वापस आएंगे चिकन लेकर, तब तक हम प्याज और लहसुन कट कर लेते हैं। अभी हम प्याज और लहसुन को छील चुके हैं, वो देखिए दोस्तों आ गए चिकन लेकर। ऐसे ही दोस्तों 3-4 दिन धूप हो जाता है ना, तो हम लोग को ये जो खराब बेकार पड़ा कूड़ा कचरा जो है ना, ये भी एकदम बढ़िया से सूख जाता है और इसको नष्ट कर देते हैं जला के। हो गया जी कट प्याज आपका? हो गया। देखे हम आराम से, पीछे बिल्ली है बड़ी चाव लगा रही है ही। ओ मैडम, काय को नहीं बात मान दी तू, झूल चुकी है अम्मा। चावल पकने के लिए रख दिया गया है, अब हम जा रहे हैं चिकन को तड़का लगाने।
फ्राई करने नहीं, इसे तड़का मारने। मम्मी हाँ। आज बहुत अच्छा चिकन बनाना, मैं बहुत दिन से नहीं खा रही हूँ। ठीक है तो दोस्तों, हम लोग आज चिकन खाएंगे। मुझे यहाँ चिकन वाला मसाला निकाल लिया है। ए प्रीति हाँ जी, ये ऊपर टांग देखे, ये वाला क्या चीज? ये ऊपर टांगने वाला है ना ये? हाँ ऊपर टांगने वाला है, लेकिन अभी नीचे रहने दीजिए। ठीक है, कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी हुआ है, जा रहा है इसमें तेल डाल। ठीक है ओके 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 ओके। और ये जो प्याज लहसुन को सिले थे ना, उसका पेस्ट है, इसमें मिर्चा भी है, अदरक सब है इसमें। पीस चुका मसाला? हाँ पीस थी। इसमें बहुत सारा सामान वगैरह मिक्स है। हाँ एक पीस है पनीर ना। तो अभी इसमें डाले जा रहे हैं चिकन चिकन चिकन। ये बड़ी तेज झरा रहा जी वो। आपको क्या लगता है हम रोटी नहीं बना पाते हैं? हाँ बोलो बोलो। पता नहीं बना है तो क्या। ये रहा आटा और हम ट्राई करने वाले हैं आज रोटी कैसे बनाया जाता है। ये क्या, एक बार ट्राई करने दो ना यार प्लीज। बना लेते हैं यार, आपको नहीं पता अभी देखना। हाँ देख रहे हैं। हंसना नहीं, हंसना नहीं। हंसो हंसो अभी क्या, किसी का हुलिया देख के उसका औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, समझे? अच्छा जी हाँ तो देखते हैं ना। अभी देखो तो लाला, ढक्कन ला तो, ढक्कन ला तो गोल गोल। नहीं नहीं बना, बना पूरी बनेगी। लाला गोल गोल ढक्कन दे, उससे काट दूंगा गोल गोल। गिलासा दियो लाला। आकृति रोटी कैसा है? गोल मटोल। अच्छा जी गोल मटोल, मतलब आपको देखा धोखा, हम लोग आपसे देख रहे हो सब धोखा है, बस तुम्हारा कहना सच होगा गोल मटोल है सही। तो ये मेरे हाथ का बनाया हुआ रोटी है दोस्तों। आकृति कितना बढ़िया बताई तो खराब है। ये देखिए इसमें पूरा मसाला पड़ चुका, तो अभी पानी वानी डाल चुके हैं इसमें, और अभी इसे 10-20 मिनट लगेगा पकने में, तब तक हम ये रोटी बना देते हैं। तो दोस्तों फाइनली खाना बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, खाना भी परोसना शुरू कर दिए हैं। बहुत ज्यादा कीड़े उड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कीड़े उड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो खाना हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत तेज भूख लगी है। चिकन के साथ रोटी, कैसा दीदी? ठीक बात। तो हम तो खाना पीना कर चुके हैं, और प्रीति जी थोड़ा बहुत खाना परोसने में बिजी थी, इसलिए थोड़ा सा ये लेट खाना खाई हैं। तो प्रीति जी खाना पीना करके वो देखिए बर्तन धुलने चली गई हैं। ओए 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 ओए, अरे घर है भाई, थोड़ी सी तो डर रख ले भाई। ये घर के एक तरफ घुसते हो तुम लोग, दूसरे साइड निकल जाते हो। हमें तो अभी अपना ब्लॉग एडिट करना है, रात के 9 बज चुके हैं, 2-2.5 घंटा तो कम से कम ब्लॉग एडिट करने में लगेगा। तो हम तो भैया चल रहे हैं ब्लॉग एडिट करने, और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हैं आजकल आप लोग, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं आप लोग, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।